कि आग लगा लो सीने में और बाबू भाई से सीखो 1 लाख रुपया कमाना महीने में। अगर जितना आपके पास पूंजी है ना, इतने से आप स्टार्ट करो। अगर 20,000 का है तो बाबू भाई गारंटी देता है आपका 20,000 रुपये में इतना शानदार बिजनेस सेटल करके देगा, ये बाबू भाई की गारंटी है। लोग तो क्या करते हैं, मुंह से बोल जाते हैं बाबू भाई आपको लिख करके देगा। अमूमन क्या होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही साइकोलॉजी होती है कि यार हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ा आपका आगे नहीं बढ़ने का माइनस पॉइंट यही है जोगेंद्र भाई। ये चीज अगर मैं बोलूं, ये 40 रुपये में सूट मिलेगा, 40 रुपये में क्या आता है भाई साहब, बनियान भी नहीं आती है, तो सूट दुपट्टा बॉटम कहाँ से आ जाएगा? बताने में कुछ नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं ये सूट है देखो 190 रुपये का, तो आपकी आंखें और दिमाग बता रहे हाँ नहीं 190 रुपये का सही है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज जिन होलसेलर के पास में मैं लेके आया हूँ, मतलब वो किसी की मतलब एक पहचान के मोहताज नहीं है। आप चाहे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे करो, बाबू भाई सूरत वाले, आपने देखा होगा इनके साड़ियों के बहुत सारे वीडियो। लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ इनका जो ड्रेस मटेरियल का गोदाम है, जो ड्रेस मटेरियल जहाँ से ये सेल करते हैं वहाँ पे। तो मिलते हैं इनसे, जानते हैं। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बाबू भाई सूरत वाले। तो दोस्तों मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, जब भी मेरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। व्यापार करना नहीं करना वो दूसरी बात है, आज करो चाहे 2 साल बाद में करो, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो मेरे जैसा विकलांग आदमी अगर इतना बड़ा व्यापार कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए, वीडियो को मतलब लास्ट तक आपको जरूर देखना है, पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। बाबू भाई का कभी भी मकसद नहीं रहता है कि पब्लिसिटी बटोरना, व्यू बटोरने के कोई नहीं रहते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा एक ही रहता है कि मेरे से लोग प्रेरणा सीखे और जागरूक हो और अपना व्यवसाय करे। देखो आज जो नौकरी करने वाला बंदा होता है ना, वो 15,000 रुपये कमाता है तो उसका 14,000 खर्चा होता है। तो जैसे नौकरी के साथ साथ में आप अगर साइड में बिजनेस भी करोगे, माताओं को, बहनों को, किसी को भी करवा के दोगे घर पे, तो आपका क्या है कि वो बिजनेस चलेगा। आप पार्ट टाइम में नौकरी भी कर रहे हो, पार्ट टाइम में बिजनेस भी कर रहे हो। आजकल की जरूरतें पूरे करने के लिए सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलता। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप नौकरी छोड़ करके व्यापार करो, साथ साथ में नौकरी भी करो, व्यापार भी कराओ। घर पे माताएं, बहनें, बेली बेटी है और आप भी अगर पार्ट टाइम आपके पास है तो उसमें भी आप स्टार्ट करो, ताकि आपका कमाई का साधन बढ़े, तो आप अच्छे से अपनी जिंदगी की शौक पूरे कर सको। अमूमन क्या होता है, आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे हैं साड़ी के, मेरे बहुत सारे वीडियो बाबू भाई सूरत वाले के नाम से आप कहीं भी सर्च कर लेना, आपको तैयार मिलेगा जहां पे भी देखोगे। बहुत से कस्टमरों की डिमांड थी कि बाबू भैया आप सूट का और कुर्ती का वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो आज मैं स्पेशल सूट और वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, कुर्ती का, दुपट्टे का और सूट का, सभी तरह का। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको वैरायटी भी बताऊंगा, वैरायटी के साथ साथ में आपको सारी बिजनेस करने की एक एक जानकारी भी मैं देता रहूंगा। अमूमन क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े सपने देख करके आते हैं, बहुत बड़े बड़े अरमान लेकर के आते हैं। कोई भैंस बेच के आता है, कोई बकरी बेच के आता है, कोई लोन लेके आता है, कोई कर्जा लेकर के आता है और सोचता है कि हम भी व्यापार करें और छोटे से रूप से करें, तो वो क्या होता है कि यहाँ आकर के फंस जाते हैं। वो फंसते कैसे हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अमूमन क्या होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह के लोग हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए हर चीज बताते हैं। अब एग्जांपल बता देता हूँ आप ठगी के शिकार कैसे होते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो साड़ी का जो मैन्युफैक्चर है ना वो सूरत में होता है, और जो सूट का जो कुर्ती का जो मेन मैन्युफैक्चर तो अहमदाबाद है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताता, लेकिन बाबू भाई पहली बार बता रहा है। आज स्पेशल मैं अहमदाबाद ही आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, मेरे गोडाउन में मेरा बहुत शेड्यूल बिजी था तो मैं आ नहीं सका, तो आज स्पेशल ये वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ। तो आप कहीं पे भी सर्च करके देख लीजिए, मेन जो मैन्युफैक्चर है ना सूट का और कुर्ती का वो अहमदाबाद में ही है, और एशिया का सबसे बड़ा साड़ी का जो है मैन्युफैक्चर वो सूरत है, ठीक है ना। तो आपको जितना सस्ता अहमदाबाद में सूट, कुर्ती और दुपट्टा मिलेगा वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमारा दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका सब जगह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार आओ तो विजिट जरूर करो, माल चाहे आप जहां मर्जी से खरीदो, लेकिन जब भी आप अहमदाबाद आओ तो एक बार विजिट करो और रेट और वेरायटी देखो, आपको कलेक्शन ही अलग समझ में आएगा। तो आपको देखो जैसे ठगी के शिकार होते क्या है, आज अमूमन क्या होता है, लोग जो थम्बल लगाते हैं ना ऊपर, थम्बल की वजह से क्या होता है कंफ्यूज होते हैं। कोई लिखता है 10 रुपये की कुर्ती, कोई लिख देता है 50 रुपये से स्टार्ट शुरू, कोई बोल देता है 90 रुपये से साड़ी शुरू। तो ये चीजें क्या है कि आप लोगों का जो माइंड है ना उसको एनग्रोस करने के लिए। एग्जाम्पल बताते हो, आपने अमूमन बहुत सारे वीडियो देखेंगे, रियल रेट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बता रहा हूँ ठगी करने के लोगों के तरीके। देखो दोस्तों व्यापार आपको करना है, पैसा इन्वेस्ट आपको करना है,
तो दिमाग का इस्तेमाल भी आपको ही करना पड़ेगा, तब आप सक्सेस होंगे। वीडियो के माध्यम में क्या होता है, अब आपको पर करना है। लोग क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं आप लोगों को, देख लीजिए जी 20 रुपए से ये आ गया जी 40 रुपए का, ये आ गया 30 रुपए का, ये आ गया 50 रुपए का, ये आ गया 60 रुपए का, ये आ गया 70 रुपए का, ऐसे लोग बोल करके आपको गुमराह करते हैं। ये सब झूठ है। आप लोगों को पता है 20 रुपए में दोस्तों पानी की बोतल नहीं आती है, तो 4 मीटर का 6 मीटर का सूट कहाँ से आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या है तो सोचते नहीं हो, थोड़ा सा वीडियो देखते हो 20 सेकंड का 30 सेकंड का और रवाना हो जाते हो। फिर आप बोलते हो कि यहाँ आने के बाद में हमारे साथ लोगों की ठगी से हो गया, वैसा हो गया, तो ठगी की शिकार आप स्वयं होते हैं, करते नहीं है। क्यों कि आप लोगों को पता है आज महंगाई का दौर है, इस दौर के अंदर 20 रुपए में 50 रुपए में 60 रुपए में क्या आता है दोस्तों, कुछ नहीं आता है। तो व्यापार करना, तो कहते हैं ना कि कहने से पहले एक बार, लिखने से पहले दो बार, करने से पहले तीन बार सोचो, तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। तो अब आपका समय नहीं लेते, थोड़ा मैं रेट टू रेट आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो ये कॉटन का सूट आएगा, ठीक है ना, ये कॉटन का सेट आएगा, 8 पीस का सेट आएगा, मात्र 149 में आपको पूरा मिलेगा। कलर की, कपड़े की फुल भरपूर गारंटी रहेगी। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो धुला वापिस भी बाबू भाई को वापिस लेके दे देना। बाबू भाई जो भी चीज बेचता है चैलेंज के साथ बेचता है, गारंटी के साथ बेचता है, ना ही तो कभी किसी को साथ फ्रॉड करता है, ना ही किसी को झूठी चीजें बताता है, ना झूठा रेट बताता है। जो आपको बता रहा हूँ वही आप स्क्रीन शॉट लेकर के भी आ जाना और गारंटी के साथ चैलेंज के साथ मिलेगा। ये नहीं है कि आपको वीडियो में मैंने आपको 40 रुपए का बता दिया और यहाँ आने के बाद में बोलते हैं कि माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जब आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वीडियो में बताया क्यों भाई, ये क्या लोगों को गुमराह करने की चीजें होती है। तो बाबू भाई जो चीज बताता है उसी रेट में आपको यहाँ पर देगा। ये देख लीजिए, एक से एक बेहतरीन आपको इसमें डिजाइन भी मिल जाएगी। ये देख लीजिए 180 रुपए का, मात्र 180 रुपए का। एक एक चीज का स्क्रीन शॉट ले लेना, वीडियो को पूरा गौर से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो यही चीज है, ये चीज अगर मैं बोलूँ ये 40 रुपए में सूट मिलेगा, 40 रुपए में क्या आता है भाई साहब, बनियान भी नहीं आती है, तो सूट दुपट्टा बॉटम कहाँ से आ जाएगा। बताने में कुछ नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं ये सूट है देखो 190 रुपए का, तो आपकी आंखें और दिमाग बता रहे हाँ नहीं 190 रुपए का सही है, चीज भी अच्छी है। तो ये चीजें आपको दिख रहे हैं तो समझो कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले आजकल ऐसे ही गुमराह करते हैं। ये देख लीजिए कॉटन का सूट आएगा, ये भी देख लीजिए मात्र 199 रुपए का, स्क्रीन शॉट लेकर के भी आ जाना आप। ये देख लीजिए 230 रुपए का, ये देख लीजिए 299 का, इस तरह के आएंगे कलेक्शन, एक से एक बेहतरीन 10-10 रुपए का गेप रख करके आपको हर तरह की वेरायटी मिल जाएगी। जब मेरे जैसा विकलांग आदमी दोस्तों अगर कर सकता है ना, एक बात बता देता हूं आपको कि आग लगा लो सीने में और बाबू भाई से सीखो 1 लाख रुपया कमाना महीने में। अगर जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ जाएगा ना कि नहीं हमें भी कुछ करना है, देखो व्यापार छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार की जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो छोटे से बड़ा होता है, ठीक है ना। धीरू भाई अंबानी ने जलेबी से स्टार्ट किया था अपना व्यापार, आज देखो कहाँ पे लेकर के गया है। तो कोई भी इतना, और जितना आपके पास पूंजी है ना इतने से आप स्टार्ट करो। अगर 20,000 का है तो बाबू भाई गारंटी देता है आपका 20,000 रुपए में इतना शानदार बिजनेस सेटल करके देगा, ये बाबू भाई की गारंटी है। लोग तो क्या करते हैं मुंह से बोल जाते हैं बाबू भाई आपको लिख करके देगा, ठीक है ना। आपका क्या काम है व्यापार के अंदर, हमेशा एक ही चीज रुको, चीज एकदम परफेक्ट आपका फोक्स है ना, फोक्स आपका हमेशा क्वालिटी के ऊपर चाहिए। आजकल मार्केट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन बिकता है, कलेक्शन कलेक्शन है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको कि आप एक समोसा या कचौरी खाने के लिए जहां पर टेस्ट मिलता है आपको ज्यादा शानदार टेस्ट, तो आप 4 किलोमीटर भी आप जाते हो उस टेस्ट के लिए जाते हो। कचौरी समोसा आपके बाजू वाले सोसाइटी के बाहर भी मिलता है लेकिन वहां पे 10 रुपए का मिलता है, और जहां टेस्ट है वहां पर 30 रुपए का या 15 रुपए का 20 रुपए का मिलता है, फिर भी आप 4 किलोमीटर तेल जला के जाते हो, क्यों, टेस्ट। तो वही चीज कपड़े की गिनीत है, कलेक्शन बिकता है, रेट आप अच्छी रखो, कपड़ा अच्छा खरीदो, आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, जितनी आप मतलब हल्की चीजों की तरफ जाओगे, जितनी हल्की क्वालिटी लोगे उतना ही आपका पैसा फंसता जाएगा, ठीक है ना। क्यों कि हल्की क्वालिटी बेचोगे तो आप एक कस्टमर को देने के बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज बेचोगे ना कस्टमर आपका जुड़ता जाएगा। कहावत सुनिए ना, एक कस्टमर 100 को तोड़ सकता है तो एक कस्टमर 100 को तोड़ भी सकता है, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी रखोगे तो आपकी दुकान का प्रचार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपका प्रचार ऑटोमेटिक आपकी ये क्वालिटी ना ये करेगी। देख लीजिए टाटा का नमक का कभी एड देखा आपने, क्यों नहीं देखा, एड देने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी बेचता है, क्वालिटी बेचने वाले की एड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कस्टमर करेंगे। नहीं आज बाबू भाई का बोलते हैं
लोग हर व्यापारी बोलता है जो मेरे से लेकर के जाता है चार को, और बताता है कि सूरत अगर अहमदाबाद जाते हो तो बाबू भाई की दुकान से माल लेकर के आना। क्यों बोलते हैं कि उनको पता है कि बाबू भाई जो काम करता है ईमानदारी के साथ करता है और अच्छा काम करता है। बाबू भाई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता है, बाबू भाई किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है। क्यों? कि बाबू भाई जो काम करता है साफ सुथरा करता है, बाबू भाई सामने वाले के पैसे की अहमियत समझता है। देखो यारो, आज कितने बड़े अरमान लेकर के लोग आते हैं, भाड़ा लगा के आते हैं, टाइम कर वेस्ट करके आते हैं कि भाई हम सूरत जाते हैं अरमान के भी हम भी अपना व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। कोई 20,000 से स्टार्ट करता है, कोई 50 से करता है। जितनी पूंजी उतना व्यापार करो, कभी भी कर्जा लेकर के व्यापार मत करो। आपके पास जितनी पूंजी है उतने से व्यापार स्टार्ट करो, आपको सफल होने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। अगर आपका आपके पास है ना जो 10,000 रुपए है और अगर 50,000 रुपए अगर आप लोन लेकर के आए हो तो आप व्यापार में टेंशन नहीं लोगे उससे ज्यादा, तो उस लोन की किस्त के लिए तो आप व्यापार कैसे कर पाओगे। यही उसी यही कड़ी है कि व्यापार में आपके फेल होने की कड़ी है ना, वही है। जितनी पूंजी 20 है तो 20 से करो, 50 है तो 50 से करो, लाख है तो लाख से करो। लाख के 5 लाख होते में टाइम नहीं लगेगा अगर क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। एक से एक बेहतरीन आपको कैटलॉग बुकें भी मिलेगी, ठीक है ना। जब भी आप आओ तो आप कॉल करो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, और कलर कपड़े की फुल गारंटी श्योरिटी भी आपको मिलेगी। अगर गांव में केड़ा में कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह जैसे ये 4 पीस का सेट लिया, अगर ये 4 पीस का सेट नहीं बिक रहा है तो आप हमारी टीम ऑनलाइन की उसको कॉल करो, भाई साहब 4 पीस आपके हमारे पास रुक गए हैं कलर की या प्रिंट की वजह से। तो हमारी खुद की ऑनलाइन टीम है, वो आपको घर से अगर जहाँ पे कोरियर की ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं वहां से भी हमारी ऑनलाइन की टीम आपका कोरियर जो पिकअप करवा लेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारी टीम को सिर्फ कॉल करना है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी बाबू भाई बैठे, आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें भी देखो इस तरह के आएंगे, 10 पीस का सेट आता है, ठीक है ना। आप मिनिमम ऑर्डर 5,000 का भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कई जिनके पास अब जिनके पास पूंजी ज्यादा है नहीं जोगिंदर भाई, तो वो ज्यादा मतलब पैसे से कैसे स्टार्ट करेंगे। जी जी। हर बंदा ये सोचता है कि थोड़े 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 करके, तो 5,000 में भी आप कर रहे हो तो 5,000 में भी तो स्टार्ट करे। तो जैसे मान लो आपने दुपट्टे 5,000 के लिए तो दुपट्टे बहुत सारे आ जाते हैं। कुर्ती अगर लेना चाहते हो तो 5,000 में, मतलब मेरा कहने का मतलब है 5,000 में आप अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकते। 5,000 के अंदर तो क्या होता है सर, सिर्फ सब्जी का काम स्टार्ट हो सकता है, कपड़े का नहीं होता है। कपड़े का काम करना है तो आप 15,000 से 20,000 मिनिमम आप जब रकम लगाओगे तब आप कर पाओगे। क्यों? कि जब तक आपके पास वैरायटी नहीं होगी तब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हम लोग भी जैसे आप लोग भी कहीं भी आप रिटेल मार्केट में जाते हो तो ये सोचते हो कि यार हम भी कुछ लेकर के आए, तो आपको कम से कम अगर एक शर्ट लेने भी गए तो आप कम से कम 10 तरह की वैरायटी देखते हो, फिर 14 या 15 तक जा करके फिर एक शर्ट उसमें से पसंद करते हो। तो आप भी अगर करोगे तो जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ही कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, एक लेने वाला 2 भी लेकर के जाएगा। और अमूमन क्या होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही साइकोलॉजी होती है कि यार हम स्टार्ट तो कर रहे हैं पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ा आपका आगे नहीं बढ़ने का माइनस पॉइंट यही है जोगेंद्र भाई लोगों का। कि जैसे मान लो कि कई लोग बोलते हैं कि यार पैसा लगा ले करें अगर नहीं बिकेगा तो, बिल्कुल आपका सोचना चाहिए दोस्तों। ये मैंने भी सोचा था जब व्यापार किया था, आज से 5 साल पहले मैंने भी जब व्यापार किया तो मैंने भी ये सोचा था यार सूरत के अंदर 2 लाख दुकानें हैं, अहमदाबाद के अंदर 5 लाख दुकानें हैं, अगर हम करें अगर नहीं चलेगा तो, ठीक है ना। तो मैंने सोचा नहीं यार जब सबकी चल रही है तो अपना भी चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये सोच करके किया। तो आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि अपनी ईमानदारी जो है अपनी ईमानदारी के बलबूते पे, किसी के साथ चीटिंग मत करो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो। बाबू भाई की दुकान में अगर हमारी टीम ने आपको व्हाट्सएप पे ये चीज भेजी और आपने ये सिलेक्ट किया ना तो यही चीज आएगी, इसके बदले में दूसरी नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी विशेषता है बाबू भाई। बाबू भाई क्योंकि किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है, जो दिखाता है वही देता है। देखो ये 310 रुपए कलेक्शन बहुत है, पूरे में नहीं दिखा सकता एक वीडियो में, क्यों लंबा हो जाता है तो लोग इतना टाइम नहीं होता देखते नहीं है। और जब तक कोई भी वीडियो जब तक पूरी आप फीचर नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिला तो आप वीडियो को कभी देखना भी मत, और तो क्या बताऊं। बिल्कुल, अगर मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, बिल्कुल कि आप कहां से बोल रहे हो, ठीक है ना। ये देख लीजिए एक से एक बेहतरीन चीजें, ये देखो 370 रुपए की एक से एक बेहतरीन चीजें। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जब भी आप अहमदाबाद आते हो
तो बाबू भाई सूरत वाले की दुकान पे, बाबू भाई अहमदाबाद वाले की दुकान पे एक बार आकर के विजिट जरूर करना। साड़ी साड़ी के साथ अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो बाबू भाई सूरत वाले की दुकान सूरत में आना। और कुर्ती दुपट्टा लेगिंग्स टॉप इनके अंदर आप इंटरेस्टेड है तो आप अहमदाबाद बिल्कुल कालूपुर रेलवे स्टेशन के सामने उतरते ही, यहाँ पे दलाल लोग बहुत हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी संपर्क मत करना, उनका 15-20% मतलब कमीशन होता है, तो आपको वो मतलब अपने कमीशन के लिए कहीं भी दिलवा करके गुमराह करके आपको ले जा करके उल्टा सुल्टा माल भी दिलवा सकते हैं। जब आप 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अगर वहां से अगर आ सकते हो अनजान जगह में, तो आप ये दुकान भी बाबू भाई सूरत वाले की दुकान भी ढूंढ सकते हो, बाबू भाई अहमदाबाद फैशन अभी ढूंढ सकते हो। आपको नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करो, रेलवे स्टेशन पे उतरो और कॉल करो कि बाबू भाई हम रेलवे स्टेशन अहमदाबाद या सूरत वाले रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आपकी दुकान कहाँ है, आपको एक मिनट में बंदा लेने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों माल चाहिए या परचेजिंग कहीं से भी करना, लेकिन एक बार आकर के रेट और वेरायटी जरूर देखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो लेकर के आता रहूं। जय हिंद।